कंटेनमेंट जोन के रहीवासियों का मुख्याधिकारी को घेराव। सत्ता पक्ष गठनेता चरण सिंह ठाकुर शाम तक निर्णय लिए जाने की बात कही। कोविड-19 कोरोना विषाणु का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए शासन की ओर से अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उस व्यक्ति के घर के साथ आजू बाजू वाले घरों को भी क्वारंटाइन किया जाता है। पहले यह कालावधि 28 दिनों का था। इन दिनों में कोई भी बाहर निकल नहीं सकता था। नौकरी, व्यवसाय, खेत खलियान के काम सब थम जाते थे। व्यवसाय बंद होने पर पैसों की आवाजाही बंद होने से रोजी रोटी का प्रश्न निर्माण होता है। ऐसे में नागरिकों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए नगर पालिका की ओर से अनाज एवं किराना किट उपलब्ध कराई गई। सबसे पहले कुनबीपुरा में क्वारंटाइन लोगों को किट बांटी गई, तो चौबे लेआउट निवासी क्वारंटाइन लोगों को यह सुविधा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? इस सवाल को लेकर चौबे लेआउट में जो क्वारंटाइन हुए थे उनमें से महिला पुरुषों ने नगर पालिका पहुंचकर मुख्याधिकारी का घेराव कर किट उपलब्ध कराने की मांग रखी। उसके बाद सत्ता पक्ष गठनेता चरण सिंह ठाकुर इनसे मिलकर सहकार्य करने की बात कही। उस पर चरण सिंह ठाकुर इन्होंने बताया कि नगर पालिका में आपत्ति व्यवस्थापन के लिए एक समिति बनाई गई, वही इस पर निर्णय लेती है। शाम तक इस पर निर्णय होने की बात कही और कोरोना जैसे आपातकालीन स्थिति में राजकारण ना करें, क्योंकि नगर पालिका फंड से यह सब कीट का सामान उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए शासन स्तर पर कोई भी राहत निधि नहीं मिला है। कोरोना के चलते नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले बहुत कम लोगों ने टैक्स जमा किया है और यह निधि नगर पालिका प्रशासन के पास होता है, उसमें से ही सभी खर्चों का वहन किया जाता है। इसलिए नगर पालिका प्रशासन को सहकार्य करने की अपील चरण सिंह ठाकुर इन्होंने नागरिकों से की है।